हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ जे जे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स, और मैं हूँ क्षितेश। तो भाई आज की जो वीडियो रहने वाली है ना, वो रहने वाली है भाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की, और मतलब मैं कह सकता हूँ बिल्कुल एक्सक्लूसिव और बहुत अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। गाड़ी आप लोगों को दिख रही होगी भाई, अपनी फॉक्स वैगन पोलो के ऊपर आज कंप्लीट मॉडिफिकेशन रहने वाली है। इस गाड़ी के अंदर भाई मतलब कहते हैं ना मॉडिफिकेशन के कंप्लीट पैकेज, तो वो ये पूरी गाड़ी रहने वाली है। आप बोलो इंटीरियर वो मॉडिफाई है, एक्सटीरियर, ऑडियो, परफॉर्मेंस, मतलब जितनी भी एक गाड़ी में भाई मॉडिफिकेशन हो सकती है सारा कुछ आज अपनी इस गाड़ी के अंदर होने वाला है। हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे क्या काम हुआ है, क्या चीज़ इंस्टॉल हुई है, क्या उसका आउटपुट है, कोई भी पार्ट स्किप मत करना भाई, हर पार्ट पे आप लोगों को एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, प्रेजेंटिंग यू द फर्स्ट लुक ऑफ इनसेनली मॉडिफाइड पोलो, या कह सकते हो भाई वन ऑफ द बेस्ट मॉडिफाइड पोलो। तो भाई जिस भी एंगल में आप लोग देखोगे भाई, उसमें आप लोगों को कुछ एक नई मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो भाई हर एक मॉडिफिकेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो बताने से पहले भाई एक बार मैं आप लोगों को गाड़ी के ओनर से भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो भाई ये रहे हमारे जसकरण भैया। कैसे हो जसकरण भैया? जसकरण भैया सबसे पहले लोगों को गाड़ी के बारे में बता दो, कौन सा वेरिएंट है, कौन सा मॉडल है? ये 2021 मैनुअल हाईलाइन, जो अपना 1.0 TSI आता था। 1.0, तो भाई मैनुअल के अंदर जो टॉप वेरिएंट आता था वो ये गाड़ी रहने वाली है। साथ में जसकरण भैया, अगर हम एक लिस्ट ब्रीफली बात करें तो गाड़ी में आपने क्या क्या करा रखा है? इसमें पोलो जो मॉडिफाई हो सकती जितनी हो सकती है वो है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, म्यूजिक सिस्टम, अलॉयज वगैरह टोटली है। बिल्कुल। और परफॉर्मेंस भी चल रही है, एक दो पार्ट्स हो गए हैं, थोड़ा सा रह गया है बस। बिल्कुल। तो भाई भैया ने आप लोगों को ब्रीफली सब कुछ बता दिया, अब मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हुए। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले आप लोग देखोगे भाई इसके अंदर अपनी आफ्टर मार्केट हेडलाइट इंस्टॉल हुई है, जिसे हम बोलते हैं अपनी ऑडी A4 इंस्पायर्ड, क्योंकि ऑडी A4 के अंदर आप लोगों की सेम ये लाइट्स आती है। और लुक देख सकते हो भाई कितने ज्यादा भयंकर आ रही है। तो जिसके अंदर भैया और भी लाइट्स हमने शॉर्टलिस्ट की थी। हाँ जी, इसमें तीन लाइट्स आती हैं, एक ये आती है, एक W आती है, एक एंड डबल प्रोजेक्टर में एक और आती है। देन दो मैंने यूज करके देखी, थोड़ा थोड़ा लगा चला के देखा, बट ये ओके है, हाईवे वगैरह पे बिल्कुल परफेक्ट है। तो रोड रिस्पॉन्स इसका अच्छा है? अच्छा है बिल्कुल। तो भाई ये वाली लाइट्स मैं अपनी पोलो में भी पर्सनली यूज कर रहा हूँ, और जेन्युइनली इसका रोड रिस्पॉन्स बढ़िया है। बाकी भैया ने भी अपना रिव्यू दे दिया, क्योंकि भैया बेसिकली पीछे से पंजाब से हैं, तो भैया के पंजाब के बहुत चक्कर लगते रहते हैं। तो भैया जैसे हाईवे वगैरह पे जाते हो, ऐसा नहीं लगता रोड की रोशनी कम है? नहीं बहुत है, मतलब इनफ है पोलो के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। तो भाई ऑडी A4 आफ्टर मार्केट हेडलाइट जलवार के साथ में भाई इसके अंदर जो अपनी HID है, अपनी D2H बल्ब की HID है। D2H बल्ब बेसिकली एक होल्डर नंबर होता है जो आप लोगों के प्रीमियम कार्स में आता है। उससे क्या होता है, आप लोगों का जो हाई बीम है ना, उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस नीचे बात करें तो भाई इसमें फॉग लाइट में भी अपनी अजूम की 130 वॉट की LED डली हुई है, जिसका रिस्पॉन्स अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा प्योर वाइट कलर है। बाकी जसकरण भैया ने आप लोगों को सारा रिव्यू बता ही दिया, तो फ्रंट से आप लुक देख सकते हो ऐसी है। नेक्स्ट इसकी बात करें फ्रंट में, तो भाई इसके अंदर अपने यूनिवर्सल स्प्लिटर्स एड ऑन हुए हैं, जो अपने कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर है। तो जसकरण भैया ये अपने कितने टाइम पहले लगवाए थे लगभग आपने? हो गया मेरा जितनी भी मॉडिफिकेशन है, 8 महीने, 9 महीने या किसी को 1 साल भी हो गया। हाँ मतलब जब गाड़ी नहीं ली थी जब ही कर दिया था इसमें सारा काम। हाँ, ऑलमोस्ट उसी टाइम। बिल्कुल। तो आप देख सकते हो भाई यूनिवर्सल कार्बन फाइबर स्प्लिटर्स, लुक कुछ ऐसी आ रही है। साथ में भाई इसे लगाने से ऐसा लगता है गाड़ी थोड़ी सी लोअर्ड भी है, प्लस जो गाड़ी का स्टांस है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो भाई फ्रंट से जो जो इसके अंदर हमने चेंजेस करे थे सब आपके साथ शेयर कर दिया। अब चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, तो गाड़ी के साइड प्रोफाइल की लुक कुछ ऐसी आ रही है। तो साइड प्रोफाइल में जो मेजर चेंज आप लोगों को दिख रहा है वो दिख रहा है भाई अलॉय व्हील्स एंड टायर स्टिकर्स। तो दीज आर 17 inches अलॉय व्हील्स। टायर साइज की बात करें तो दिस इज 215/45R17। तो जिसके अंदर भैया जैसे हमने इसके अंदर 17 inches अलॉय व्हील्स डाल रखे, तो इसका रिव्यू कैसा थोड़ा बताओ? रिव्यू बहुत अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हो गए 7 months हो गए लगवाए हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बिल्कुल ओके हैं, कोई बबलिंग नहीं, कुछ नहीं, ब्रेकिंग में कोई वो चेंजेस, कोई भी वो चेंज नहीं। और ऐसा तो नहीं कि गाड़ी टच वगैरह होती हो, अलॉयज लगते हो बॉडी में? नहीं कुछ भी नहीं। तो भाई मैं बता देता हूँ, जो ये अलॉय व्हील्स है, जैसे 17x7.5J, 7.5J मतलब जो रिम्स की चौड़ाई है वो 7.5J है, तो वो बॉडी से ज़्यादा बाहर नहीं आ रहे। और गाड़ी की जो लुक है भाई वो देख सकते हो, बिल्कुल भैया ने केरला इंस्पायर्ड ही बना रखे। तो इसके अंदर भैया ये आइडिया अलॉयज का कहाँ से आया था? अलॉयज में कुछ सर्च कर रहा था, काफ़ी देखे गूगल वगैरह पे, तो यही मतलब मिल गए। मतलब कुछ अलग हमें करना था तो यही अच्छा है, जो यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि एक प्रॉब्लम है इसमें ना, 5 वो है, 100x5 बोल। बिल्कुल। तो बाकी सब 4 में, यहाँ जो मिलता है वो 4 में मिलता है, तो ये बहुत यूनिक है, कुछ नहीं अलग है। बिल्कुल। तो भाई आप देख सकते हो, तो पोलो की जो PCD है भाई वो नॉर्मल कार से अलग आती है, इसकी 100x5 वोल्ट की PCD आती है। बट जो अलॉयज भैया ने चूज कर रहे हैं वो गाड़ी पे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कॉमन नहीं है। कॉमन हमें गाड़ी अलग बनानी थी, वो दिख रही है हमारी।
साथ में भाई इसके अंदर टायर स्टिकर्स भी ऐड ऑन कर रखे हैं अपनी 3 lines पर टायर, तो ये भी आप देख सकते हो। तो ये भी गाड़ी के लुक काफी ज्यादा एनहेंस करते हैं। प्लस जब ये गाड़ी रोड पे चलती है ना भाई, टायर स्टिकर्स के लुक ज्यादा अच्छी जब आती है। तो जिसमें भी जब हम इसे रोड पे ड्राइव करते हैं, रिव्यूज कैसे आते हैं लोगों के? बहुत अच्छा, यूनिक एकदम, मतलब जो भी देखता है ना फर्स्ट लुक, वो उसको पसंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो कई बंदे ऐसे रोड पर रुक के ही बोलते हैं कि भैया अच्छी है, नाइस, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। चलो तो भाई ये भी आप लोगों ने सारा कुछ देख लिया, अब चलते हैं भाई गाड़ी के बैक प्रोफाइल में। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था भाई, जिस भी एंगल में आप देखोगे ना, आप लोगों को गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो बैक प्रोफाइल में बात करें तो भाई इसके अंदर मेजर भैया ने 3-4 चेंजेस करा रखे हैं। सबसे पहले बात कर ले स्पॉइलर, तो इसके अंदर आफ्टर मार्केट स्पॉइलर इंस्टॉल करवा रखा है, जिसे हम बोलते हैं अपने बैटमैन इंस्पायर्ड डिजाइन। ABS क्वालिटी में आता है ये, ग्लॉस बैक पेंटेड आता है, और लुक आप देख सकते हो कुछ इसकी ऐसी आ रही है। इसके अंदर एक GT स्पॉइलर भी आता है या WRC भी आता है। तो जिसके अंदर भैया यही वाला स्पॉइलर क्यों चूज करा? मैंने एक से पहले एक और लगाया था, आपको बताया कि देन ये अच्छा लगा, कुछ एक डिसेंट लुक आती है। बिल्कुल, इसे भी लगवाया लगभग हमें शायद 7 महीने हो चुके हैं। हाँ जी, हो गए। और इसका भी रिव्यू कैसा आता है? रिव्यू अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ऐसा तो नहीं कि भैया उतर रहा है स्पॉइलर वगैरह? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट चीज की बात करें तो भाई इसकी जो बैकलाइट्स है वो भी इसके अंदर आफ्टर मार्केट बैकलाइट जली हुई है, जिसे हम बोलते हैं अपनी ऑडी Q2 इंस्पायर्ड। गाड़ी का जो कलर है भाई वो अपना लगभग ग्रे कलर टाइप है, तो उसके साथ जो लाइट्स है बहुत सुंदर लग रही है अपनी स्मोक कलर में। इन लाइट्स की मैं आप लोगों को बता देता हूँ खासियत बात, कि आप देखोगे 3D में है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे स्पेस, ये प्रॉपर ऐसा नहीं है कि सिंगल ग्लास है, ये प्रॉपर 3D में आई हुई है, और इसके भी लुक कुछ ऐसी आ रही है। तो आफ्टर मार्केट बैकलाइट्स और अलॉयस से ना भाई गाड़ी के जो लुक है वो कम्प्लीट अपनी चेंज हो जाती है। साथ में एक बार इसके अंदर इंडिकेटर्स भी ऑन करके दिखाता हूँ मैं, तो जिसके अंदर भी एक बार ऑन करके दिखा दो, तो उसके भाई इंडिकेटर्स भी दिखाता हूँ अपने। मैट्रिक्स इंडिकेटर्स इस टेल लाइट के अंदर होते हैं, ये देखो भाई इंडिकेटर्स भी अपने ऑन हो चुके हैं। तो फ्रंट और बैक में दोनों अपने मैट्रिक्स इंडिकेटर्स है, और लुक कुछ ऐसी आ रही है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो भाई इसके अंदर एक GTI डिफ्यूज़र भी ऐड ऑन कर रखा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो जिसकी भी जिसके पास भी GTI वाली अपनी जो एक किट लगी होती है, उसी के अंदर आप लोग ये डिफ्यूज़र ऐड ऑन करा सकते हो। नॉर्मल पोलो के अंदर ये नहीं लगता, क्योंकि जिसके अंदर भाई ये वाला जो ब्लैक पार्ट है आप देख रहे हो वाला, इसी के अंदर ये डिफ्यूज़र ऐड ऑन हो सकता है, तो वो भी इसके अंदर इंस्टॉल करवा चुके हैं। साथ में भाई यहाँ पे देखोगे तो गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, और जो टिप्स लगे हैं वो बोर्डला की लगी हुई है। तो जिसके अंदर भी एग्जॉस्ट में हमने क्या क्या करवा रखा है इसमें? एग्जॉस्ट अभी कैटबैक है, रेमस का वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट एंड बोर्डला टिप। ठीक है, तो मतलब अभी मुझे डीकैट नहीं करा रही है, डीकैट अभी हो गया, ट्यून एंड डीकैट अभी रह रही है। तो परफॉर्मेंस में भाई इसके अंदर एक तो आप लोगों को एग्जॉस्ट लगाओ, साथ में एयर फिल्टर भी चेंज कर। एयर फिल्टर कौन सा डाल रखा है? BMC का है, स्टॉक रिप्लेसमेंट। तो भाई वो भी देख लो। तो दो परफॉर्मेंस मोड गाड़ी के अंदर ऑलरेडी हो रखे हैं, और बहुत जल्दी भाई ये डीकैट भी हो जाएगी, और साथ में भाई जो है स्टेज टू भी कराएंगे सीधा पॉप्स एंड बैंक्स के साथ। तो भाई वो भी बहुत जल्दी होगा। तो एक बार मैं आप लोगों को एग्जॉस्ट का नोट भी सुनाता हूँ, जिसमें एक बार वो भी सुना दो। अभी बहुत ज्यादा लाउड सेटअप नहीं है, एक बेसी जो साउंड आती है ना भाई वैसी आएगी, तो आप सुनना एक बारी। तो भाई पोलो के अंदर आप लोगों को अगर लाउड सेटअप चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को डीकैट ही करानी पड़ेगी। तो जिसके भी जब हम जैसे ड्राइव करते हैं तो रिव्यूज पर लगते हैं कि एग्जॉस्ट लगा रखा है। बिल्कुल लगता है, मतलब एक स्मूथ साउंड है, बेसी है, लाउड नहीं है, एक स्मूथ साउंड है। और लाउड के लिए भी हम जल्दी से डीकैट करा ही देंगे। तो भाई जो जो बाहर से इसके अंदर मॉडिफिकेशन भैया ने करा रखे थे, सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। गाड़ी में भाई बाहर के साथ साथ इंटीरियर में भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की मॉडिफिकेशन हो रखी है। तो फटाफट इंटीरियर में चलते हैं, और इंटीरियर में भी सारे मॉड्स मैं आपके साथ दिखाता हूँ। सो गाइस, गाड़ी के इंटीरियर में भी आ चुके हैं। तो इंटीरियर में भाई ने इंटीरियर की कस्टमाइज रिलेटेड, ऑडियो सेटअप रिलेटेड हर एक चीज़ करा रखी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटीरियर के बारे में बताता हूँ उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करे हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई सीट कवर में। तो बेसिक अपने ब्लैक कलर के अपने सीट कवर इसके अंदर इंस्टॉल करवा रखे हैं विद सिल्वर स्टिचिंग। तो आप देख सकते हो, देखो कुछ ऐसे लुक आ रही है। साथ में भाई कुछ कुछ जो पार्ट्स हैं वो अंदर कार्बन फाइबर करा रखे हैं। तो जैसे कि आप ये वाला पार्ट देख सकते हो, कार्बन फाइबर फिनिश पे अपना हेडोडिप हो रखा है, अपना AC वेंट, अपना ऊपर वाला पार्ट, साथ में भाई जो स्टीरियो वाला एरिया है, अपना ये वाला एरिया है, वो भी अपना हेडोडिप करा रखा है। ऑडियो के बारे में भी डिस्कस करेंगे भाई अभी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटीरियर ही दिखा देता हूँ पूरा। ये वाला AC वेंट्स भी आप देख सकते हो फुल कार्बन फाइबर फिनिश में है, और लुक बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है इसकी। साथ में आप देखोगे तो भाई जो इसके पिलर्स और जो रूफ है वो भी अपनी ब्लैकआउट है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बाहर से दिखा देता हूँ। तो अपने पिलर ABC जो है वो कंप्लीट अपने ब्लैकआउट है, और जो रूफ है अंदर वो अपने भाई जो वेलवेट वाला कपड़ा होता है, स्वेट आप कुछ भी कह सकते हो, डुअल टोन के अंदर रैप हुई हुई है। तो ऑल ब्लैक इंटीरियर के भैया ने थीम दे रखी है विद अपनी कार्बन फाइबर फिनिश। साथ में भाई इसके अंदर एम्बिएंट लाइट भी इंस्टॉल है, जो अपनी 18 पीसेस वाली एम्बिएंट लाइट आती है वो इसके अंदर इंस्टॉल करा रखी है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो
डोर्स में जहाँ पे अपना हैंडल ओपन करते हैं भाई, वो वाला एरिया, अपना बॉटल एरिया, नीचे वाले एरिया, तो टोटल 18 पीसेज वाली एम्बिएंट लाइट होती है। यहाँ पर भी इसके अंदर इंस्टॉल करवा रखी है, इस जगह पर भी इंस्टॉल्ड है ये। तो गाड़ी की जो लुक है इंटीरियर में भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है, ये आप देख सकते हो। और कार्बन फाइबर वगैरह की लुक देखनी हो पीछे से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ अपनी ऐसी लुक आ रही है। फिर तो बात होगी भाई इसकी पूरी इंटीरियर की। अब बात करते हैं भाई इसकी एक और जो मेन अट्रैक्शन है वो ऑडियो सेटअप। तो जसकरण भैया ऑडियो सेटअप में क्या क्या लगा रखा है सब बता दो। फर्स्टली डोर्स में 4 मीटर हो गए, देन एक रूफ में 2 मीटर हो गई हमारी, 2 ट्विटर्स हैं बुलेट ट्विटर बड़े वाले पीछे, एंड 5 750 के डुअल ऊपर हैं, किकर का 1500 एम्प है मोनो, एंड देन 2 4 चैनल एम्प है हमारे सर्वन वेगा के, जो इन सारे स्पीकर्स को पावर कर रहा है। साथ में हेड यूनिट क्या लगा रखा है? हेड यूनिट एंड प्रोसेसर हमारा लगा हुआ है, देन उसके ऊपर आईपैड। बिल्कुल, तो भाई भैया ने आप लोगों को टेक्निकल टर्म्स में समझा दिया, अब मैं आप लोगों को पूरा लाइव दिखाता हूँ। तो भाई डोर्स के अंदर 4, इसके अंदर वाइब के मिड लगे हुए हैं, साथ में भाई ऊपर 3 इंचेस वाले JBL के अपने यहाँ पर मिड लगे हुए हैं, और टोटल 6 स्पीकर्स अपने यहाँ पर हो गए। पीछे से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अपने भाई वाइब के ही इसके अंदर ट्यूटर्स लगे हुए हैं, जो अपने ब्लैक डच सीरीज आती है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। साथ में भाई वूफर, जैसे कि भैया ने बताया था वाइब के 750 RMS के 2 वूफर है, मतलब लगभग अपने 1500 RMS के वूफर्स इसके अंदर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। इन्हें पावर करने के लिए भाई बूफर को पावर करने के किकर का KX सीरीज का जो 1500-1600 RMS का आता है, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मैं कह सकता हूँ एम्पलीफायर्स में से एक है, बहुत कॉस्टली एम्पलीफायर है, लगभग भाई बात करें तो 60-65,000 के आसपास सिर्फ एम्पलीफायर की कॉस्ट आ जाती है। साथ में भाई सर्वन वेगर का एक 4 चैनल एम्पलीफायर है, जो स्पीकर्स और जो ट्विटर्स वगैरह है उसे पावर दे रहा है। एक एम्पलीफायर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और एक एम्पलीफायर हमारा सीट के नीचे इंस्टॉल्ड है। तो पूरा जो सेटअप है भाई वो कुछ ऐसे करके डिवाइड करा हुआ है। साथ में भाई यहाँ पे आप देख सकते हो अपना पाइनर का 8590 जो स्टीरियो है वो लगा हुआ है, और उसके ऊपर अपना आईपैड लगा रखा है साउंड के लिए। तो यहाँ पे कोई बाहर से देखे तो ऐसा लगेगा भाई किसी ने बहुत बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, और जो प्रोसेसर है भाई वो इस गाड़ी सीट के नीचे लगा हुआ है। तो पूरा सेटअप भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हाई एंड है। कभी आप भैया को स्पॉट करो ना तो एक बार बैठ के सुनना ज़रूर, क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से भैया रोहिणी में तो जब आप निकलते हो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, ऑडियो सेटअप में तो खास कर। तो ये भाई आप लोगों ने सारा मतलब टेक्निकल जो टर्म्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से प्ले, और आप पूरा जो ऑडियो है भाई वो एंजॉय करना। आउटपुट भी आप लोगों ने सुन लिया होगा भाई, बहुत 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 लाउड सेटअप है, जेन्युइनली बहुत लाउड है।
आप लोगों ने देखा होगा भाई बेस इतनी खतरनाक है, ये वाला सारा एरिया अपना भाई वाइब्रेट कर रहा था। बाहर आप लोगों ने देखा भाई मिरर फ्लेक्स कर रहा था और साथ में भाई वाइपर्स वगैरह हर चीज फ्लेक्स कर रहे थे, फ्लेक्स कर रहे थे प्रॉपर। भाई ऑडियो सेटअप ना जनरली बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है सिर्फ बेस बेस है भाई, बेस के साथ जो वोकल्स आ रही है ना वो भी बहुत बढ़िया है। साथ में भाई बहुत से लोग सोचोगे ये क्या लगा हुआ है, तो भाई ये जो हमारा मोनो एम्प है उसका ये बेस कंट्रोलर है, तो किकर के अंदर इसके अंदर वायरलेस आता है, तो अब यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो उसका गेन वगैरह। तो उसकी प्लेसमेंट कुछ यहाँ पर हो रखी है अपनी, यहाँ पे आप देख सकते हो देखो। तो भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई इसको ऑडियो मिस मत करना, और आप लोगों ने सुन लिया होगा भाई कितना ज्यादा, तो उसके भैया जनरली बताओ जब रोड पे निकलते हो लोग मुड़ मुड़ के देखते नहीं दिखते ऑडियो को, बिल्कुल तो ऑडियो तो मतलब दूर से पता लग जाता हो आ रहे हो आप, जैसे यहाँ से हो गए आप बिल्कुल एंड तक चले जाएंगे, पूरा बेस फील होता है बिल्कुल। मैं ऐसे गली में से निकलता हूँ तो जो विंडोज होते घर की तो प्रॉपर वाइब्रेट होते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मैं वही कह रहा हूँ, अगर बाई चांस कभी आप भैया से मिलो, अगर आपको ये गाड़ी स्पॉट हो तो एक बार ऑडियो जरूर सुन के देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो भाई ये तो बात हो गई आज गाड़ी की कंप्लीट मॉडिफिकेशन की, अब बात कर ले से भैया से कि इसमें भैया ने लगभग कितने जो पैसे हैं वो स्पेंड कर दिए। आई होप आप लोगों ने अपनी पोलो बहुत बढ़िया तरीके से इंजॉय करी होगी और आप लोगों को जेनवनली कुछ नेक्स्ट लेवल की मॉडिफिकेशन देखने को मिली होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को बेस्ट पार्ट क्या लगा क्या नहीं। मैं बताऊं तो भाई मैं इसके ऑडियो सेटअप और जो एक्सटीरियर की लुक है ना उसमें भाई मैं फ़ैन हूँ, और भाई जेनवनली ये गाड़ी जहाँ जहाँ से भी निकलती है ना लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। अभी हम शूट कर रहे थे, अभी जिसके भैया कितने रिव्यूज़ आ गए हैं, अभी भाई लोगों ने ऐसे दिखा दिया, ऐसे घूर घूर के देख रहे थे क्योंकि मैंने ऑडियो ऑन करा ना तो आसपास सारे लोग आ गए थे देखने के लिए। तो उसके भैया पूरी मॉडिफिकेशन तो हमने डिस्कस कर लिया, बिल्कुल। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इतनी सुंदर तरीके से गाड़ी तैयार करने में पैसे कितने लग जाते हैं। देखो ये चीज़ ऐसे पूछनी नहीं चाहिए, और मतलब मैंने प्रॉपर काउंट भी नहीं किया कभी, बिल्कुल। बट हाँ 4.5 के अप्रॉक्स आ चुका है, बिकॉज 2.25 के अप्रॉक्स हमारा म्यूजिक सिस्टम है एंड बाकी 1.75 या 2 के अप्रॉक्स जो बाकी हमारा कस्टमाइजेशन हुई है वो है, बिल्कुल। बाकी भाई इसमें एक चीज़ और बतानी रह गई थी, गाड़ी बहुत ज़्यादा ग्लॉस कर रही है, उसका रीज़न जसन भैया बताओ। वो है हमारी TPU की PPF। तो भाई हमने इसके ऊपर PPF भी कर रखी है अपनी 5 years वारंटी वाली, TPU क्वालिटी जो आती है। तो PPF से क्या होता है आपकी गाड़ी की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो ना पेंट में डलनेस नहीं रहती। हाँ बिल्कुल, मैं जो न्यू होता है पेंट वही, कोई स्क्रैचेस नहीं या धूप, कई ऐसा होता है धूप से डल हो जाता है पेंट, तो वो भी कुछ भी नहीं है, एज इट इज शाइन बरकरार है, बिल्कुल। और गाड़ी को भाई लगभग भैया को लिए एक साल हो गया। एक साल में आप देखो गाड़ी की जो ग्लॉस है वो कितनी नेक्स्ट लेवल की आ रही है। तो PPF भी हो रखी थी, तो भाई उसके भी कॉस्ट ऐड कर लो लगभग 50,000, तो वो कॉस्ट और ऐड हो गया। तो भाई मोटा मोटा वही 4.5 lakhs के आसपास भैया ने इस गाड़ी के ऊपर स्पेंड कर रखे थे। बहुत से लोग बोलेंगे भाई क्यों स्पेंड कर दिया, भाई शौक बहुत बड़ी चीज़ है, हमें शौक है तो हम करते हैं, आपको भी किसी चीज़ का शौक होगा तो वो लोग करते हैं। बाकी भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस गाड़ी को पूरा रिव्यू करके, बाकी आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को कैसे लगी कैसे दी। बाकी और बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई काम कहाँ से हुआ है, तो जस्ट करना भी बता दो। ये मॉन्स्टर कस्टम एंड डिटेलर्स रोहिणी। तो भाई हमारे स्टोर पे ही काम हुआ था। अब बहुत से लोग अभी मत बोलना कि भाई आपको पता है तो आप क्यों नहीं बताते थे, भैया से क्यों पूछे थे, क्योंकि भाई वीडियो बनाने का तरीका होता है, एक क्वेश्चन आंसर चलता रहे तो अच्छी बनती है वीडियो। मुझे सब पता है मैं बता दूंगा, बट भैया अपने मुँह से बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो भाई आप लोगों को पता ही है क्या करना है, जिसमें भी बता दो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आल्सो, बिल्कुल। तो भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, क्योंकि इससे रिलेटेड हम ऐसी ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं, नेक्स्ट लेवल का कंटेंट हम लाते रहते हैं। इस गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस रिलेटेड अभी 2 काम रह गए हैं, अपने स्टेज 2 रीमैप और साथ में अपना फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, वो भी बहुत जल्दी होगा। वो कब होगा भैया बता दो। हो जाएगा विद इन अ मंथ, आप ही दोबारा से करना एक बार परफॉर्मेंस प्रॉपर शूट करना। तो भाई जब ये रेडी हो जाएगी तो एक परफॉर्मेंस ब्लॉग हम प्रॉपर इसका लेके आएंगे, तो वो भी आप लोग एंजॉय करना। बाकी बताना जरूर कैसे लगा कैसे नहीं,
और फोटोग्राफ्स या वीडियो देखने तो जस्करण भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। भैया एक बार बता दो अपनी आईडी। जस्करण18/ एंड सेकंड आईडी है @polo0319। बाकी भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे चले जाना और वहाँ पे जाके इसकी और अच्छी अच्छी रील्स वगैरह देखनी हो तो वो देख लेना। तो तब तक के लिए भाई मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।